हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है तीसवा रोज़ा, यानी कि आखिरी रोज़ा, कल इंशाल्लाह ईद रहेंगी। तो गाइस, अभी फजर की नमाज पढ़ गया है, अभी जस्ट अभी तैयारी हो रही है दोपहर में कैसी वीडियो बनाने का, क्या बनाने का। हमारे रफीज भी समझा रहे थे अभी ऐसी वीडियो बनाने का, यहाँ से शूट करने का, यहाँ से एंटर होने का, बिफोर कैसा लेने का, आफ्टर कैसा लेने का, पूरा हरियाणा वाले इनको लेने का, उधर से जब लेकेंगे बेकरी तक जाने, बेकरी से वो पट्टा लेके ऐसे शेरावी को लेके समोसे लेके सामने फरन का पता। आज हमारे पास अरान आए थे, उनका भी चैनल है यूट्यूब पे। मेरे फॉलोअर्स से गुजारिश है कि उनको फॉलो करें, वो अच्छे अच्छे वीडियोस डालते और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती, तो मेरी दुकान पे विजिट करें उन्होंने। तो आराम से गुजारिश है कि मेरी वैरायटी आपके फॉलोअर्स को बताइए, जैसे कि अपने पास ट्रेंडिंग ड्रॉप शोल्डर है, रेगुलर वेयर के लिए नाइट पैंट्स है, कार्गो है, हाँ, स्पोर्ट्स के लिए टी शर्ट्स वगैरह है, हाँ, अपने के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए स्विमिंग टी शर्ट वगैरह है, और शॉर्ट्स है, फुल स्लीव्स के कॉटन के टी शर्ट्स है अपने पास, जैसे कि प्लेन में भी है, हाँ, कॉलर्स की टी शर्ट है, और स्पेशल ये है कि अपने पास के यहाँ पर 20s वेस्ट से तो 102 कमर तक की अपने पास हर साइज अवेलेबल है, यानी कि जैसे कि नाइट पैंट हो गई और टी शर्ट हो गई, बेसिक में भी है, फॉर्मल में भी है, लैक्रा में भी है, कॉटन में भी है, होजरी में भी है। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है अरहान के कि आप चंपा चौक MHB कॉलोनी IDM एंड टी शर्ट पैलेस आप यहां विजिट करें, थैंक यू। और ये फलस्तीन की भी टी शर्ट अभी अवेलेबल है, जैसा भाई ने पहले फलस्तीन ट्रेंडिंग है, तो मेरे पास फ्री फलस्तीन बोल के टी शर्ट्स भी है और प्रे फॉर फलस्तीन एंड गाजा भी है, तो उसमें साइज है अपने पास M2-4XL, तो सबके लिए हर कलर में उपलब्ध है अपने पास। तो गाइस, आप लोग भी आइए हमारे भाई की शॉप को विजिट करिए। मैं सारे कपड़े, मेरे जो भी है, टी शर्ट, ट्रैक पैंट्स, पैंट्स, मैं सब यहाँ से लेता हूँ और कहीं नहीं आता। औरंगाबाद चौक पर आकर भाई को कॉल कर दीजिए, नंबर बोलो 9370-58-6993। ये नंबर पर आप लोग चंपा चौक पर आकर कॉल करिए, भैया आपको लेने के लिए आ जाएंगे। और स्पेशल दुकान की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से तो रात में 12-1-2 बजे तक भी आप। हाँ, लोग आए हुए अभी शाशुकतम मियाँ की दरगाह की ईदगाह है, ये औरंगाबाद की तीसरी सबसे बड़ी ईदगाह है, यहाँ पे तैयारी चालू है माशाल्लाह, पीछे बच्चे साफ सफाई कर रहे और इधर साइड से पूरी मार्किंग वगैरह सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहाँ पे साफ सफाई की तैयारी चल रही है, पर जो है मार्किंग की तैयारी चल रही है, आधे से ज़्यादा काम हो गया, बस थोड़ा सा काम बचे हुए। ये जो औरंगाबाद पुलिस का सेटअप है, यहाँ ऊपर बैठकर पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम रहता है यहाँ पे बहुत अच्छा। इस जमीन में हुआ, आसमां में हुआ, क्या रब क्या जम, सब है जेरे नगी, तौबा तौबा नहीं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये है कब्रिस्तान शाशुकतम मियां का, ये आखिरत है, इसी की तैयारी करना है हमको दुनिया में, हमको इसी के लिए भेजा गया है। माशाल्लाह कितना सुकून है, आप लोग भी एक बार कभी जाकर बैठिए अपने पास के कब्रिस्तान में, आप लोगों को खुद सुकून मिलेगा माशाल्लाह। ये है इसका फ्रंट गेट, यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है, हम जो गए थे अभी वो पीछे के रास्ते से गए थे। ये है दूसरी सबसे बड़ी ईदगाह, उस्मानपुरी की ईदगाह, माशाल्लाह यहाँ पे भी काम सब इंतजाम हो चुका है। ये ईदगाह वहाँ से छोटी है, फिर भी इसको दूसरी नंबर पे क्यों है क्या मालूम। मुस्तफा मुस्तफा मंबऊल सफा सय्यदुल अंबिया मिश्रानुल फिल वफा कना फी अतफी यहाँ की सबसे बड़ी ईदगाह छावनी की ईदगाह, यहाँ पर भी तैयारी सब हो गई, साफ सफाई हो गई, वहाँ पीछे टैंकर से हौज में पानी फुल कर रहे वजू करने के लिए, 30,000 लोग यहाँ पे आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ऐ रसूले आमी खातमल मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद को यकी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। माशाल्लाह काम यहाँ पे सब हो चुका है, पुलिस की भी अच्छी बंदोबस्त चालू है, यहाँ पे सिक्योरिटी फुल टाइट रहती क्योंकि सबसे बड़ी ईदगाह है तो कोई चांस नहीं ले सकते यहाँ पे, और शाशुकता में दोनों तरफ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। एक और यहाँ पे वजू खाना बनाया हुआ है, जो लोग लेट हो गए तो यहाँ से सीधा वजू करके अंदर आ सकते हैं।
ये गेट नंबर वन का काम चालू है, यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, कुछ ऐसा बनेंगे गेट, और ये यूनिवर्सिटी का रोड है गाइज। यही वो रोड है और यही वो क्लिप है जहाँ से मेरा पहला ब्लॉग की शुरुआत, यही क्लिप किया था मैंने उस दिन भी, और यहीं से मेरे फर्स्ट ब्लॉग की शुरुआत हुई थी। और आज माशाल्लाह देखो कहाँ पर है आप, देखिए आप लोग भाईचारे की पहचान है, भाईचारे का होने का सबूत है। इन्होंने एक दो बड़े त्यौहार 14 अप्रैल और ईद, दो बड़े त्यौहार यकीन दो साथ में आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत धूमधाम से बनेंगे दोनों। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। ना तू बन सका ना बना सका, वो ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ, जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद क्यों नहीं देखता, इस जहान में हर शैला में है दूध है, जब उठी निगाह तो झुक गई, ये मामला कोई और है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। क्यों शिर्क में है तू फंसा हुआ, क्यों दूर से तू दूर है, क्यों घूमता है यहाँ वहाँ, नहीं ला कोई और। जो पढ़ा दिया इंसान को रहमान है रहीम है, जब पास थी तो किताब थी, पढ़ा दिया तो कुरान है, फिर इबादतों के हैं सिलसिले, फिर कुर्बतों के वो दौर है, जो ना झुक सका वो ना पा सका, यही सिलसिला हर दौर है। इसी आस पर पड़ा हूँ मैं सजदे पे रब्बे करीम के, जो मैं गिर गया था मकाम से, तू तो रब्बे आली मकाम है, या रब मुझे तू बख्श दे, या रब मुझे तू बख्श दे, या रब मुझे तू बख्श दे, बंदा तो गुनाहगार है, खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है।